नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE का जब भी नाम सुनते हैं तो भारतीय लोगों को केवल एक ही नाम याद आता है और वो है द ग्रेट खली। भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले द ग्रेट खली भारत की शान है। द ग्रेट खली एक ऐसा नाम है जिसने देश विदेश के कई पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए और पहलवानी के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन किया है। दिलीप सिंह राणा भारत में एक ऐसा मुकाम प्राप्त कर चुके हैं जिसे किसी भी पहलवान ने प्राप्त नहीं किया है। साधारण से गांव में जन्मे इस महाबली खली ने प्रोफेशनल रेसलिंग में हिस्सा लेकर अपने करियर को एक नया मुकाम दिया है। वर्तमान में खली का नाम इतना चर्चित है कि उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। खली का जन्म हिमाचल प्रदेश के धरियाना गांव के पंजाबी हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। दिलीप सिंह राणा उर्फ खली करनाल के सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर के निवास पर पहुंचे। यहां खली खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुलाकात करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि करनाल जिले के समाना बाहू कस्बे में द ग्रेट खली की इंटरनेशनल रेसलिंग अकादमी बनेगी। राठौर के आवास पर खली पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि एकेडमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एकेडमी होगी और सबसे बड़ी बात द ग्रेट खली खुद इस एकेडमी में सभी युवाओं को निशुल्क ट्रेनिंग देंगे। इस एकेडमी में युवाओं को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उन्होंने बताया कि एकेडमी में वह लड़कियां और लड़के दोनों युवा वर्ग को ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, दोनों समान हैं। खली ने कहा कि क्रिकेट के खिलाड़ी क्रिकेट की अकादमी बनाते हैं, अब वह रेसलिंग की अकादमी बना रहे हैं। यहां हर तरह की सुविधाएं होंगी। खली ने कहा कि युवाओं को खाली बैठने की बजाय किसी ना किसी खेल में हिस्सा लेना चाहिए। ओलंपिक में मेडल जीतने वालों में हरियाणा के खिलाड़ी का खासा योगदान रहता है। समाना बाहू में उनकी ओर से बड़ी अकादमी बनाई जा रही है जिसके माध्यम से भारत के अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को अपना हुनर ही नहीं भविष्य भी सवारने का मौका मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हमारे साथ है इंटरनेशनल खिलाड़ी द ग्रेट खली, जिनको रेसलिंग में देख के सभी की सांसें फूल जाती हैं, सभी की सांसें फूल जाती हैं। और जब भी भारतीय खिलाड़ी WWE देखते हैं तो सबके सामने एक नाम आता है द ग्रेट खली, जो आज हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर जी के घर पे हैं हम मौजूद। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो हरियाणा में ये अकेडमी बनाने जा रहे हैं, हरियाणा के समाना बाहू गाँव में ये अकेडमी बना रहे, तो युवाओं के लिए उसमें क्या क्या कुछ युवाओं के लिए उस अकेडमी में आपने क्या? देखो, युवा के लिए मैंने एकेडमी बना रहा हूँ यहाँ पर समाना भाव में मैं एकेडमी बना रहा हूँ और जो पूरा हिंदुस्तानियों के लिए फ्री कर रहा हूँ मैं। और ये मतलब सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी एकेडमी होएगी, जो जहाँ पर सारी फैसिलिटी होएगी और खुद मैं वहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा और जो मेरे बेस्ट जो स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग देंगे। और मेरे भाई राठौर जी, ये उनका सहयोग रहेगा, बलवान जी। तो ऐसा मतलब जैसे बोलते ना कि ऐसा काम कर देंगे मतलब हरियाणा के लिए, जो लोग देखेंगे कि भी मतलब स्पोर्ट्स को और प्रमोट करेंगे। पहले ऑलरेडी बहुत प्रमोट है लेकिन इसको और प्रमोट करेंगे कि भाई जितने भी ओलंपिया पे मेडल आएंगे, पहले भी हरियाणा के आते थे और आगे भी हरियाणा के आते रहेंगे। जो हरियाणा के युवा हैं वो आपसे काफ़ी प्रेरित हुए हैं और वो भी आपकी तरह इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो भी रेसलिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब आपने रेसलिंग की तो आपको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आप क्या चाहते हैं कि जो युवा आपकी एकेडमी से ले उनको वो कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आपने क्या क्या सुविधा? देखो, मेरे जो मैंने परेशानी की, मतलब बहुत परेशानी झेली मैंने, बिल्कुल जैसे बोलते ना, मैं जब अमेरिका गया था तो
तो मैं जो रिंग होता है ना, रिंग के नीचे सोता था, कभी रिंग के ऊपर सो गया, तो मैंने बहुत मतलब मुश्किलें देखी है। तो ये जो एकेडमी मतलब बनाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सारी फैसिलिटियाँ दी है उनको मैंने, यहाँ पर रहने को दिया है, खाने को दिया है, सारी मतलब फैसिलिटी जो जितनी फैसिलिटी लगती है। अमेरिका तो लोग पहुँच ही नहीं पाते, अब सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट है, और जैसे हरियाणा के शंकी हो गया और सतिंदर हो गया, कविता देवी है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी है, पंजाब के है, यूपी के है। तो मेरे 10-12 लड़के जो मेरे CWE से WWE में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक नौकरी के लिए तरसते थे, और वहाँ पर वो उनके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है इस टाइम। सो मेरा एक अपने हिंदुस्तान से एक जुनून है कि मतलब हिंदुस्तान से एक प्यार है, क्योंकि अगर मैंने अपने लिए कुछ करना होता तो मैं अमेरिका रहता। मैं अमेरिका पे मेरे पास रेसलिंग तो आप लोगों ने देखी है, शायद हो सके मूवियाँ भी आपने देखी होंगी, टीवी शो देखे होंगे, और मेरा अपना बिजनेस भी है, अपना घर भी है, मैं बहुत वेल सेटल हूँ वहाँ पर। लेकिन मतलब जैसे बोलते ना कि अपना एक हिंदुस्तान का प्यार, मतलब वो मेरे को वापस अपने देश के लिए उसको प्यार मतलब वो वापस अपने देश पे खींच के लाया। और इस टाइम मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बाकी और भी काम करते रहते हैं, और जो एकेडमी यहाँ बना रहा हूँ समाना भाव में, वो बहुत अच्छी एकेडमी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लॉकडाउन करके पीछे हो गया, लेकिन बहुत जल्दी हम इस पर और आगे इसको बताया कि ये जो एकेडमी है इसमें सभी युवा हैं, युवा के साथ साथ इसमें क्या मेल और फीमेल दोनों युवा का एकेडमी में है? हाँ बिल्कुल, दोनों मतलब, क्योंकि मतलब अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे को फर्क नहीं रखना चाहिए लड़कियों पे और लड़कों पे। जब जब हम फर्क रखेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, चाहे लड़की भी मतलब जो लड़का काम कर सकता लड़की भी काम कर सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि फर्क नहीं रखना चाहिए, हमारे को इस सोच से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और लड़कियों को मौका देना चाहिए, तभी मतलब हमारा देश सुपर पावर बनेगा। अदरवाइज बातों से अगर सुपर पावर नहीं बनेगा, मतलब अगर बातें करेंगे इसके लिए हमारे को सोच को भी एक मतलब प्रमोट करना पड़ेगा। जो आपने एकेडमी हरियाणा में बनाई है, इसे आपको सरकार से भी आपको कुछ अनुदान मिला है या ये सब आपने सिर्फ अपने आप से ही खुद से ही किया? देखो ये मैंने खुद करी है, और सारी चीज़ें मैं सरकार पे नहीं थोपना चाहता। मैं अगर मैं सारी चीज़ें सरकार पे थोपूंगा तो फिर मतलब करेगा कौन फिर? अगर मतलब ये तो सारे लोग बोलते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। भाई सरकार छोड़ो, तुम खुद क्या कर रहे हो भाई? दूसरे से जैसे बोलते ना, दूसरे पे टिप्पणी करने से अच्छा है कि जितना बनता है, थोड़ा बनता है, ज़्यादा बनता है, कुछ ना कुछ करो। जो युवा आपको देखते हैं वो आपसे आपकी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका क्या डाइट चार्ट है, कि आप जो भी हमारे श्रम्य दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए बता सकते हैं कि आप क्या डाइट नॉर्मल लेनी चाहिए, जितनी आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं उतनी डाइट लेनी चाहिए। ग्रेट खाली की रीस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप हॉस्पिटल पे पाए जाएंगे। सो आप जितनी डाइजेस्ट कर सकते डाइट उतनी खाइए, उससे ज़्यादा मतलब मत खाइए, ग्रेट खाली की डाइट पे मत जाइए। हैं तो जितना आपकी कैपेसिटी है, आपका वर्क है, उतनी डाइट खाइए। मतलब आप सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपके एकेडमी में जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उनको ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, या वो जो भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनको सीधे से कोई फॉर्म ऑथोराइज्ड या ऑनलाइन कैसे करना है? उनको वहाँ पर आना चाहिए और वहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए, जो भी मतलब उसकी ये फॉर्मेलिटी है सारी वहाँ पर पूरी करनी चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि जो ग्रेट खली आज इनके साथ बैठे हुए हैं, इनके पास आए हुए हैं, क्या मोटिव है उनका मतलब कि यहाँ पे आने में जो हरियाणा में? देखिए बड़े सम्मान की बात है, आज द ग्रेट खली हमारे बड़े भाई हैं, और पूरे जैसा मैंने पहले भी कहा पूरे विश्व में भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है, और आज अपनी एकेडमी का दौरा करने के लिए समाना भाव में जो एकेडमी बना रहे हैं उसका दौरा करने के लिए आए और आज मेरे निवास स्थान पर पहुँचे हैं, मेरे लिए भी बड़ी मान सम्मान की बात है। और
मैं समझता हूँ कि जो कदम खलीजी उठा रहे हैं उस करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस इतनी बड़ी एकेडमी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पूरे उत्तरी भारत को इस एकेडमी का लाभ मिलेगा। और स्पोर्ट्स की तरफ जो प्रेरित हमारे युवाओं को आने वाले दिनों के अंदर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि खलीजी भी खुद युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ के अंदर ये आगे बढ़े हैं और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए। और हम सब साथी, नॉट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी पर एक भाई होने के नाते और समाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी संभव सहयोग होगा वो हम खलीजी को निश्चित रूप से देंगे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे ज़िले को चिन्हित किया, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका करनाल पहुँचने पर भी और मेरे निवास स्थान पर पहुँचने पर। इसके बाद कारगिल दिवस पर बोलते हुए खली ने कहा कि सैनिकों के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जरूरत पड़ने पर हम भी बॉर्डर जाने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश सरकार और द ग्रेट खली के प्रयास से भारत के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को खेलों में लाभ मिलेगा और नशे से दूर रहने के लिए खेलों में हिस्सा लेना जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी रोजगार ना मिलने के कारण भटकने को मजबूर है, जो खेलों की तरफ ध्यान देंगे ताकि ओलंपिक में अधिक से अधिक मेडल लिए जा सके। दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने कहा कि युवाओं को नशे से बाहर लाने के लिए खेल सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए समय समय पर उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। हरियाणा के युवा है, बड़ा जुनून है और सब पे है, ऐसा नहीं कि उनके जो उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी है, चाहे उनके माता पिता चाहे कोई भी है, तो एक बच्चे की पूरी सपोर्ट करते हैं। और जब तक फैमिली की सपोर्ट ना होए तब तक कुछ नहीं होता। तो उसी के ही में मतलब एक देख के कि भाई क्यों नहीं एक एकेडमी हरियाणा पे खोली जाए, क्योंकि हरियाणा के लोगों पे बहुत जुनून है। और जितने भी मेरे पास वहाँ पर जलंधर में है एज ए स्टूडेंट है सीखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हरियाणा के, तो उसको देख के मैंने यहाँ पर खोली। और उससे बहुत फ़ायदा होएगा, जो युवा है वो उनको बहुत फ़ायदा होएगा। जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं वो नशे से कन्वर्ट होकर मतलब इधर गेम करेंगे। अगर गेम करेंगे तो अपना एक सभी मतलब हिंदुस्तानियों का फायदा होगा, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाएंगे और एक नशे से। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा, आपकी कोई मुलाकात वगैरह सहयोग मिल रहा है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार उनसे मैं मिला हूँ। और जब जब हमने देखो, जैसे हमने पीछे अभी करनाल पे कराया था कंपटीशन और अम्बाड़ा कैंट कराया था और उधर पंचकूला कराया था हमने, तो पूरा सहयोग देते हैं कि भाई आप करो, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ है, तो अच्छा लगता। तो यही होना चाहिए। अगर हम बोलिए कि सारी चीज़ें अगर हम सरकार पे थोपनी चाहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह मतलब कोई आगे बढ़ेगा। मतलब मैं सारे जितने हमारे आर्मी के सैनिक है सभी को ही मैं एज ए मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको कि भाई हमारी जो रक्षा, आज हम घर पे आराम से सोते हैं, हम कोई बिजनेस करते, हम कोई पॉलिटिक्स करते, हमारे बच्चे पढ़ते, कुछ भी काम करते हम उन आर्मियों करके, तो वो बिल्कुल एक तकड़े होकर लड़े और सारा हिंदुस्तान उनके साथ है। और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मतलब यू नो आज राठौड़ जी के आज आप घर बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। राठौड़ जी के आज आप घर पहुंचे हैं, क्या संदेश, क्या मुलाकात के मायने कुछ समझ आ जाए? आज देखो मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं, जो एक अच्छे इंसान होते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से खींच के आते हैं। तो मैं एक जो उदिष्ट भाई अपने राणा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई इन्होंने एक पुल का काम किया है कि भाई जो वीरेंद्र राठौड़ जी से मिलाए, इन अच्छे लोगों से मिलाए, तो हम आगे और अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए और एक समाज के लिए। तो वही मेरा भी एक उद्देश्य है, मतलब कि भी एक समाज के लिए कुछ करिए।
तो अब इकट्ठे में हुए तो आगे देखते फिर अभी। एक आखिरी सवाल, टीवी पर जब मैं बच्चा था तो जरूर WWE और WWF देखा करता था, आज के बच्चे भी देखते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं, कितनी सच्चाई होती है? और क्या आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, खासकर क्योंकि बच्चों का ध्यान जरूर उस तरफ रहता है, तो आपके माध्यम से क्या बताना चाहेंगे WWE और WWF के बारे में? WWE को देखना चाहिए और घर पे ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर पे प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, तो घर पे नहीं करनी चाहिए। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग ऐसे नहीं है कि घर पे करेंगे तो चोटें लगने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो बाकी स्पोर्ट्स को करना चाहिए। स्पोर्ट्स से कि उनको एक जोश रहता है बच्चों पर कि भाई हमने कुछ करना है, और उनका एक शौक बढ़ता है। जो ये रेसलिंग आप WWE देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए फेमस है, लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा देखते हैं इसको। मतलब शुक्रिया द ग्रेट। ये जो हरियाणा के अंदर एक पहलवानी अपने स्तर की होती है और आप फ्री स्टाइल में खेलते हो वहाँ पर, इन दोनों में जो अंतर है इसको कैसे दूर करेंगे? ये मतलब देखो उसका जो फॉर्मेट अलग है, जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट है और बेसबॉल है, मतलब है तो दोनों बॉल से खेलते, डंडे से खेलते, ग्राउंड मतलब पिच भी इसकी सिमिलर होती है, पर इसको दोनों को इकट्ठे मत रलाओ, अलग अलग चीज़ है ये, उसका फॉर्मेट अलग अलग है और जो WWE का फॉर्मेट अलग है, तो अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। और जो यहाँ पर हम समाना भाव में खोल रहे हैं, वो दोनों एकेडमी खोल रहे हैं कि जो उसकी जो मैट की रेसलिंग होती है ओलंपिया की, और दूसरी प्रोफेशनल रेसलिंग जो WWE वाली। खली जी, आपने अंडरटेकर को एक बार चीट किया था, वो कैसा आपका अनुभव था, कैसा महसूस किया? वो अनुभव एक बहुत ही एक अच्छा था और एक बड़ा प्राउड फील होता था कि जिनको देख के हमने रेसलिंग स्टार्ट करी, क्योंकि जो अंडरटेकर है और बिग शो है, केन है और मार्क हेनरी है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड है, रॉक है, उनको देख के हमने स्टार्ट करी थी रेसलिंग को। तो जब वो हम मेरे को मौका मिला उनसे फाइट करने का, तो एक जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत खुशी थी कि भाई इनसे मैं फाइट कर रहा हूँ, और बहुत ही एक ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस, जैसे बोलते हैं कि भाई मैं एक इंडिया को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और मतलब एक इंडिया का फेस हूँ मैं, तो अपने आप को बहुत खुशी थी मतलब। और जब वो उसको हराया तो उससे और डबल खुशी। याद आती है उन पलों की फिर से? और अगर आती है तो फिर आप ग्राउंड पे या रिंग के अंदर किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल याद आती है, लेकिन मतलब हमारे को गुड थिंग ये है कि भी जो मेरी फील्ड वही है, मेरे जो 400-500 बच्चे है जो यहाँ सीखते है, जो रेसलिंग सीखते है, तो यू नो भी उतनी ये भी नहीं है कि मैं कहीं दूर चला गया। खली जी, वहाँ जब आप फाइट करते हो वहाँ पर, तो जब गुस्सा आता है तो रेफरी पे क्यों निकालते हो गुस्सा? अब ये इतना डीपली जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होंगे। सो जब कुछ गलत कुछ ऐसे हरकत होती तो रेफरी पे निकालते हैं। खली जी, एक और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपका राजनीतिक लोगों से काफी मिलना जुलना रहता है, क्या आप राजनीति में उतरने वाले? नहीं, ऐसा मेरा राजनीति का कोई ऐसा ये नहीं है कि राजनीति पे उतरूँ मैं, और मेरे को जो एक मेरा एक उद्देश्य है वो है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करूँ, क्योंकि जिस पे मैं बहुत एज ए मतलब कंफर्टेबल शौक रखता हूँ और जिसकी मेरे को नॉलेज है, उसको उस काम को ज़्यादा करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भी मैं कहीं ऐम ही मतलब कहीं मतलब चला जाऊँ और जो कहीं गायब हो जाओ। मतलब अंतिम सवाल ये है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा से नशा मुक्त करने की तैयारी की हुई है, अभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया नशे के बारे में, आप लोगों को क्या कहना चाहते हो अभी नशे से किस तरह से? नशे को देखो एक सबसे जो मेन हथियार है नशे को दूर करना वो है स्पोर्ट्स। अगर हम स्पोर्ट्स में युवा को स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो उसका दूसरे जगह भी कोई नशा भी ये नहीं कि स्वाद आता है किसी को, मेरे को नहीं लगता कोई जो नशा करता है उसको स्वाद आता है। जैसे बोलते हैं ना, बेल्ला दिमाग शैतान का घर, जब वो बेल्ला होता है तो
उसको लगता है कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, इसको आजमाते हैं। तो फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। अगर स्पोर्ट्स करता है तो अच्छी डाइट खाता है, वो देखता है कि इसका मेडल आया तो मैंने भी अगली बार मेडल लाना है, हैं। और दूसरा नशे के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। नशा कब बढ़ता है? जब हम कुछ उनके लिए, बच्चों के लिए कोई प्लेटफार्म ना हो। अगर दो तीन घंटे सुबह एक्सरसाइज करता है, दो तीन घंटे शाम को करता तो वो खाना खा के, डाइट खा के सो जाता है, वो इधर इधर नहीं घूमता हो। जब बिल्ला लोग होता है जो स्पोर्ट्स नहीं करता, स्पोर्ट्स का उसके पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, तब वो स्पोर्ट्स पे जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हथियार है नशे को कंट्रोल करने के लिए। राठौर जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आज आए हैं खली जी आपके घर, किस तरीके से आप भी मदद करेंगे कांग्रेस के जरिए समाना भाव में जो अकेडमी बन रही है उसके लिए? देखिए, द ग्रेट खली जो है वो पूरे विश्व में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम, मुझे आज भी याद है, जब खली जी अंडरटेकर को उठा उठा करके पटकते थे तो नौजवानों के अंदर एक नए जोश का हमेशा संचार होता था। तो इन्होंने हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर चमकाने का काम किया है। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि खली जी हमारे करनाल के अंदर इस एकेडमी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जैसा मैं हमेशा से बोलते आया था कि हमने कभी हरियाणा ने कभी नेशनल हाईवे 1 को एक नॉर्थ इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल के रूप में हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो अगर खली जी NH1 के ऊपर इस बड़ी एकेडमी को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और अगर जिस प्रकार से यहाँ एकेडमी डेवलप की जा रही है, मुझे लगता है कि नौजवान उसके अंदर ट्रेनिंग लेंगे, केवल हरियाणा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हम नेशनल हाईवे 1 जो है बेस्ट लोकेटेड हम लोग हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि वैसे तो इनकी पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और पूरे देश के नौजवान ही इस एकेडमी से लाभ उठाएंगे, पर पर्टिकुलरली नॉर्दर्न हरियाणा को तो बहुत ज़्यादा लाभ जो है इस एकेडमी से मिलने जा रहा है। और नॉट ओनली नॉर्दर्न हरियाणा, हम ऐसे जंक्शन पर बैठे हैं जहाँ हम पंजाब हमारे नज़दीक लगता है और उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा हमारे साथ लगता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेसेस हैं उन 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 बच्चों को एक बड़ा लाभ जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। और हम पूरा सहयोग, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की मैं कोई बात नहीं करूँगा, एज अ इंडिविजुअल खली जी हमारे भाई हैं, इन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और इन्होंने अगर करनाल को चूज़ किया है तो मैं समझता हूँ हम सब की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें और जिस भी प्रकार से हो पाएगा वो सहयोग हम अपने भाई का करेंगे ताकि हमारे इलाके का नाम रोशन हो और पूरे देश का नाम रोशन हो। हरियाणा में हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम से हरियाणा को जाना जाता है और अधिकतर मेडल आते हैं। आप हरियाणा के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है उसके बारे में? देखिए, वो तो जैसा खली जी ने भी बताया कि ओलंपिक्स के अंदर जितने भी मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने का काम हरियाणा का बड़ा योगदान रहता है। और हमारे नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी से और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, अदरवाइज़ हमारे गांव देहात के अंदर टैलेंट की और बाहुबल की कमी नहीं है। तो अगर इस प्रकार की एकेडमीज़ क्रॉप अप होती हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार की भी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की एकेडमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल द ग्रेट खली, जो कि यहाँ पे हरियाणा में एकेडमी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सभी के साथ द ग्रेट खली ने साझा की। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा या समाचार एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।